अरे वाह। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानीखेत, अभी हमें नबुदा के घर, और यहाँ पर ये सरकारी उनका बंगला है, वहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और मैंने बनाई है अदरक वाली चाय, और ये देखिए फोन में अभी सभी लोग फोन में लगे हुए हैं। हम सब तो आ गए हैं, अभी दो म्यूजिशियन और आने बाकी हैं। वैदु ही ने दूध पी लिया है। वैदु कितना पी लिया, पूरा पी लिया? और वैदु ने दूध फिनिश कर लिया है। गुड, वेरी गुड। और ये देखिए फोन में लगे हुए हैं हमारे म्यूजिशियन और सिंगर। अब बस चाय बनने का इंतजार हो रहा है, मैं बना रही हूँ चाय। बन गई है मेरी अदरक वाली चाय, अब पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रानीखेत घूमने जाते हैं। और मैंने बनाई है अदरक और इलायची की चाय, और क्योंकि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती तो मैं साथ में चीनी की टपक लगा रही हूँ। तो चीनी तो हो ही गई चाय में, फिर कैसे वाली चाय में चीनी तो हो गई। आकाश भाई पूरा रुझान दे रहे हैं चाय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो बता रहे हैं आपकी चीनी वाली चाय भी अच्छी हो रही है। अब बीच में हमारी वैदु को देखो कितनी मस्ती काट रही है। तो क्या इसके साथ बैठ के बनाएंगे? तो हम जा रहे हैं रानीखेत घूमने के लिए, और रानीखेत कितना सुंदर है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आगे बढ़ो जवानों, ये देखिए हमारे देश के वीर जवान, आगे बढ़ो। कितना सुंदर यहाँ पे ये स्टैचू बना हुआ है हमारे वीर जवानों का। तो चलिए आपको दिखाते हैं रानीखेत। ये अम्मा भी आई है घूमने के लिए। अम्मा आप रानीखेत ही रहती हो? कहाँ कहाँ घूमने गई थी? ऊपर घूमने ऊपर गई थी? ये देखिए इतना सुंदर पीछे फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है? सोमनाथ ग्राउंड। सोमनाथ ग्राउंड। ये वैद्य को जानते हैं आप? वैद्य को जानते हैं? कैसे? वीडियो जानते हैं। अरे वो जो आपके जेठ जी हैं, हम एक ही यूनिट के हैं। अच्छा अच्छा, वैद्य जा करो जल्दी भैया। हाँ और हमारा चैनल सब अच्छा, इन्होंने ब्लॉग ही देखा। हम आपके सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है, याद कर देना बहुत सारा। पक्का पक्का, ठीक है ठीक है, थैंक यू, बाय। हाँ हाँ आएंगे, पक्का आएंगे। आपका प्रोग्राम है ना? प्रोग्राम कल है हमारा, छावनी में, पता नहीं अभी अभी मैं जो है ना अंदर उनका हॉल। अच्छा यहाँ उधर है वो, हो सकता है वहीं है। अच्छा आना आप लोग। अच्छा चलो, हमारे आकाश भाई का कहना ये है कि अच्छे रिदम इसको साथ लेके चलोगे ऐसा ही होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग वैदे ही ने गैया देख ली है बच्चिया, और वैदु खुश हो गई है। तो गैया मेरी गैया, वैदु जय करो। ये हो रहा है यार, खड़े हो। भारती कितने साल में होती है? भारत माता की जय। ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जो हमारे गाने सुनते हैं। थैंक यू भैया, बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। देखिए हम अपने जवानों को आज, अरे लाओ यार निकालो, हम अपने देश के जवानों को कुछ सुनाने आए हैं क्योंकि कल कारगिल दिवस था। तो हमारे दिल में इतनी इतनी रिस्पेक्ट है अपने देश के जवानों के लिए जो हम बयान नहीं कर सकते, बस गीत के माध्यम से। आगे भी तो चढ़ा लो यार, ठंडे में बैठ गई होगी। पहाड़ी आप लोग? ये कुमाऊं पहाड़ी पे, कुमाऊं रेजिमेंट ही है रानीखेत में। और हमारे सौभाग्य से हमारे सामने पे है हमारे देश के वीर जवान, बिल्कुल। और क्योंकि हमारा काम भी है गाने का, तो हम लोग ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग इनके सामने हैं और एक गाना गा रहे हैं। हमने सुबह से प्लान किया था कि शाम को हमने रानीखेत जाना है, तो हम जरूर इन्हें कुछ सुनाएंगे। आनों का हलवेलों का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना ये देश है वीरों का।
अच्छा अभी हम जा रहे हैं आर्मी घर चले हम विदा जानो तन साथी पूछे गए आगे जी। ये वो स्थान है जहाँ से बैठो तुम भी करोगे आ जाओ जल्दी आओ। ये वो स्थान है जहाँ से मेरे देश के जवान ट्रेनिंग लेते हैं तो हम इसको नमन करते हैं। बढ़िया से मिलेंगे मतलब मन ऐसा शांत मिल जाता है ना यहाँ पे आगे बहुत बढ़िया आनंद आ गया अच्छा लग रहा है हम कहाँ आए हैं आपको पता है कुछ तो ये बहुत ही आज हमारा तो दिन बन गया हमारे युद्ध स्मारक पराक्रम विजेते विक्टर टेम्पल जब तीरो दिया मेरे भारत ने भारत मेरे भारत ने ये है पहलवान बाबा मंदिर रानीखेत। जय हो बाबा। ये छावनी परिषद रानीखेत। तूने कब खाया? मैंने कब खाया? तो हमने हैं? तो हमने मोमो मंगाए हैं। देख तू कैसे हो रहा है। आते रहता हूँ। तुम्हें बता तो है। मजा। और आप कुछ कहना चाहेंगे? तुम भी समझ गए। क्या? कुछ कहना चाहेंगे? आप कैसा लगा? मोमो और सूप तो गजब। कैलाश सर आपको सूप पी के कैसा लगा? बहुत बेहतरीन। मज़ा आ रहा है। बेला बहुत अच्छा फील कर रहा है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा आपने खिलाया हमें। थैंक यू। भैया थैंक यू सो मच। तो देखिए हमारा अभी खाना बनाने का तैयारी हो गई है क्योंकि हम सब म्यूजिशियन और सिंगर आज हैं तो हम सब लगे हुए हैं। ये काम जो भी आया और कुछ पात्र एक्टिंग करने भी आए हैं यहाँ पर और जो आज भी काम कर रहे हैं वो यहाँ देखिए चॉपिंग कर रहे हैं। ये देखो काफी अच्छी गति के साथ क्या बात है और मूवी इतना बढ़िया बना रहे हैं। देखो घर में सारा काम नहीं करता। शादी के बाद इन्हें सीखा मजबूरी में तो हम लोग खाना बना रहे हैं मस्ती भी कर रहे हैं बातें भी कर रहे हैं खूब सारी बातें हो रही है। और देखो मेन कुक आ रहे हैं उधर और ये भी बनाएंगे खाना। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मैंने खाना बना दिया तो ये चीज खा नहीं पाएंगे कोई तो इसलिए मैं केवल खाऊंगा। मेरे को पता है कैलाश ने हमारे हमारे दिमाग में ऐसी अपनी इमेज बना रखी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता क्योंकि अगर ये बता देगा कि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ तो फिर हम इसी से करवाएंगे। ये ट्रिक है जो ये और गोविंद दोनों अपनाते हैं। गोविंद भी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता वैसे ही कैलाश भी कहता है मुझे कुछ नहीं आता। और वैदिक को देखिए ये खा रही है रश इतना नहीं खाते बेटा भी दूध पी हो गया आप। कुछ समय बाद देखते हैं कैसा खाना बनाते हैं लोग इतनी मेहनत इनकी कैसी रंग लाती है। ओके तो दोस्तों हो चुका है हमारा डिनर और अब हम कर रहे हैं आराम क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है और कल सुबह जल्दी उठना है। कल 11 बजे से हमारा प्रोग्राम है रानी के। आज का ब्लॉग यहीं तक। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गुड नाइट जय माता की। मैं दुआ कर दो।